तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। अमल, विमल और कमल तीन पार्टनर हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 तो स्टार्टिंग की बात की जा रही है, कैपिटल कितना लगा रखे हैं? 40,000, 30,000 और 25,000। डिसाइड करते हैं कि हमारे को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना मिलेगा, 5% पर एनम। अमल को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी 250 रुपये पर मंथ, 250 पर मंथ, तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी, इंटू 12 तो कितनी हो जाएगी, 3,000। नेक्स्ट क्या कहता है, बीमल को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अब देखते हैं कमीशन बिफोर है या आफ्टर है। कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ अ कमीशन, कमीशन काटने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी सभी चीजें काटने के बाद, ठीक है। कहता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल, सभी काटने के बाद तो 10% प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देना आपने, जनरल रिजर्व के अंदर। बिफोर द एबो आइटम्स टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे को 31 मार्च 2016 का 33,360। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है बना देंगे, क्या दिक्कत है। अमल, बीमल और कमल पार्टनर है, अमल, विमल और कमल तीन पार्टनर हैं, ठीक है। ए बी के लिखिए, कैपिटल लिखिए तो लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी ब्रोट डाउन, कितनी है ये, 40,000, 30,000 और ये 25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देनी है, अमल को, विमल को और कमल को, ठीक है। कितनी देनी है, 5%, तो 2 0 काट दो तो 1% बच जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 400, 5% कितना हो जाएगा, 2,000। सेकंड केस में कितना हो जाएगा, 1,500। थर्ड के अंदर कितना हो जाएगा, 250 को अगर कितने से करोगे, 5 से करोगे, 250 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो आप, कितना बनता है, 1,250, ठीक है। तीनों टोटल करो, 1,250 प्लस 1,500 प्लस 2,000, तो ये बनेगा आपका 4,750। यहाँ क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 2,000, 1,500 और ये कितना हो जाएगा, 1,250, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है जी, अमल को क्या देनी है, सैलरी देनी है, दे देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी देनी है, 3,000 दे देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सैलरी किसको देनी थी, अमल को, कितनी देनी थी, 3,000, ठीक है। बीमल कौन देनी, कमल कौन देनी। कहता है बीमल को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 4%, और वो सारे की सारी चीजें काटने के बाद, ठीक है, तो दे देंगे भाई। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, कहता है क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया है 33,360, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 33,360, 33,360 में से माइनस क्या करोगे आप, 4,750 माइनस क्या करोगे, 3,000, ठीक है। तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 25,000, कितना आ जाएगा, अगर आप कितना करोगे, 33,360 में से माइनस करोगे 4,750 और फिर माइनस करोगे 3,000, तो इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, 25,610। और इसके ऊपर क्या देना है आपको, 4% से कमीशन देना है, तो 4 डिवाइड बाय 104, क्यों, क्योंकि आफ्टर की बात की जा रही है, टाइम तो गिवन नहीं है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 से, और डिवाइड किससे करोगे, 104 से, तो मेरे पास आंसर कितना बनेगा, 985, ये क्या बनेगा, कमीशन। कमीशन किसको देना था, ये बी को देना था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बी कैपिटल अकाउंट कितना देना है, 985, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कमीशन, ठीक है, किसको देना है, बी को 985, उसी को कुछ नहीं मिलना है, कमल को मतलब। नेक्स्ट कहता है जो कुछ इसके बाद बच जाएगा उसमें से 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो क्या लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व कितना बच जाएगा। अब आपके पास कितना आया था, ये 25,600 आया था, इसमें से क्या माइनस करना है आपने, इसमें से माइनस कर दो 985, तो आपके पास ये बच जाएगा आफ्टर प्रॉफिट, ठीक है ना, ये 25,610 माइनस किससे करोगे, 985, ठीक है, 985।
985, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 24,625। इसका 10%, 10% कितना हो जाता है, यहाँ पर 10% देना है, तो ये 10% एट द रेट 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, 24,62.5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,462। ये ट्रांसफर कर देंगे। अब इस ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बचेगा, अब इसमें से क्या करो, ये माइनस कर दो, कितना 2,462, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, अपना प्रॉफिट हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ कितना था, 24,625 माइनस कितना करोगे इसमें से, 2,462। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 22,163, 22,163। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 22,163, ये क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसके अकाउंट में, अमल, बिमल और ये कमल। टोटल कितना हो जाता है, 33,360, 360। यहाँ कितना हो जाएगा, 33,360। इसमें से अब आपने क्या करना है, ये जो आया आपका 23,160, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, आपने रेशियो दे रखी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वल रेशियो मान लेंगे। तो इसको कितने से डिवाइड करोगे, 3 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे आप 3 से, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7,387.66। तो इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ कितना कर देते हैं हम, 8 कर देते हैं, 8,837, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, हर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 7,388, 7,388 आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, 7,388 को मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से, तो आपके पास आया ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है आपका 14,776, ठीक है। इसमें से माइनस करो कितना, 22,163, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7,387, ठीक है। एक काम कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 7,388, 7,388, 7,387, ठीक है। तो अब इनको क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। फर्स्ट क्या था, 25,000, नेक्स्ट क्या करोगे इसके अंदर, 25,000 के अंदर ऐड कितना करोगे, 1,250, फिर इसके अंदर कितना ऐड करोगे, 7,387, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 33,737, 33,637। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि ड्रॉइंग आपने किसी पार्टनर ने की नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये कितना आ जाएगा, 33,637, ठीक है। आप इसको टोटल करो, कितना था ये, 30,000 प्लस 15,000, तो ये कितना हो जाएगा, 1,500 था ये, तो ये कितना था, ये आ जाएगा आपका 31,500, ठीक है। प्लस कितना करोगे आप, 985, प्लस कितना करोगे, 7,388, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 3,983, 3,983, 3,983। नेक्स्ट अगर हम टोटल करें तो 42,000 आ जाएगा फर्स्ट का, तो ठीक है। प्लस कितना करोगे आप, 10,388, प्लस करोगे 10,388, ठीक है, 10,388। तो ये कितना बनेगा आपका, 52,388, 53,388, 53,388।
52,388, ये क्या आएगा, 52,388, 52,388, ठीक है। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।